गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टू सब्जेक्ट मैथ। टुडेज टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन दैट मीन्स माइनस, सब, डिफरेंस, फ्यूअर, गिव अवे, टेक अवे, चेंज, विच इज द लेसर, हाउ मच मोर, फाइंड द अदर, सब्ट्रैक्ट। गिवन वर्ड्स आर रिलेटेड विथ सब्ट्रैक्शन। In which question the words are used, we subtract in this question। किसी भी दिए गए question में ये related word जो है subtraction से related word, clue word आते हैं। अगर आपको किसी भी question में ये मिले तो आपको क्या करना है, subtract करना है। पहले आपको question में देखना है कि ये सब word उसमें यूज हो रहा है, तो आपको समझ लेना है, वो क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है। क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने में अगर नहीं पता चल रहा है कि किसमें ऐड करना है, किसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये रिलेटेड वर्ड को आप लोग को रिमेम्बर करना है। और दिए गए क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी ये वर्ड यूज हो आपको समझना है कि उसमें हमको सब्ट्रैक्शन करने को कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, In a school there are 936 students. If 420 are girls student, how many are boys student in that school? Correct, किसी school में total students है 936, उसमें जो है girls student है 420। तो आपको क्या करना है, दिए गए total student में अगर हम girls student को subtract कर देंगे तो हमें बॉयज स्टूडेंट निकल जाएगा। यहाँ देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी बॉयज, ठीक है, हाउ मेनी मतलब पूछ रहा है कि कितना है। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर में मैंने आपको देखो बताया था यहाँ पे हाउ मच मोर, हाउ मेनी, जिस क्वेश्चन में अगर यूज होता है उसमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। सॉल्यूशन, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 936, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 420, नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 936 माइनस 420, 6 माइनस 0 6, 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 4 5, सो 516 बॉयज आर इन दिस स्कूल। सेकेंड एग्जाम्पल, रामा हैड रुपीज 894, ही हैज स्पेंट 595 ऑन हिज शर्ट, हाउ मेनी इट सेव विथ हिम। कह रहा है रामा के पास 894 रुपीज़ है, इसमें से उसने 595 शर्ट खरीदने पर खर्च किया, तब उसके पास कितने पैसे बचे हैं, क्या करेंगे, टोटल रुपीज़ में जितना वो खर्च किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। सॉल्यूशन, टोटल रुपीज़ इज इक्वल टू 894, रुपीज़ स्पेंट ऑन हिज शर्ट 595, देन वी सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर हम लोग को क्या देख रहे हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो सबसे पहले गिवन नंबर को हम 1s, 10s, 100 कॉलम में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद हमको देखना है क्या है, 4 में 5 कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सो वी बोरो फ्रॉम 10s कॉलम, वी बोरो 1s फ्रॉम 9s, यहाँ 9s है, इससे 1s हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10s कॉलम है 8s एंड 0 कॉलम्स 4, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 पहले से था 1s, इससे लिया कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4 14, तब 14 माइनस 5 इजकल टू 9। अब यहाँ 8s है, यहाँ 9s है, तब को 10s कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना, क्या करेंगे, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 9s फ्रॉम 8s, सो वी बोरो 100 फ्रॉम 800, यहाँ 800 है, इससे 100 बोरो करेंगे तो 10s कॉलम में कितना हो जाएगा, यहाँ यहाँ पे हो जाएगा 18s, 18s माइनस 9s कितना हो जाएगा, 18 माइनस 9 9, आफ्टर बोरोइंग 100 कॉलम है 700, तो 7 माइनस 5 200, सो 299 रुपीज सेव्ड विद रामा, रामा के पास कितने पैसे बचे, 299। इस तरह से आपको देखना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और बनाना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।